हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े होंगे। अच्छा भाई, मैं गई थी, आप लोगों को बताया था, आप लोगों को मैंने रिस्वॉचेज दिखाई थी जो मैं लेकर आई थी, तो वो मैं ख़रीदने के लिए जा रही थी। तो पहले हम आयशा मंदिर किसी काम से रुके थे, फिर ये हम फ्लाई ओवर पर चल रहे हैं। ये करीमाबाद वाला फ्लाई ओवर है और मैंने कोशिश करी जितना वीडियोज़ बना सकूँ बना ली। तो ये जामा क्लॉथ है। खैर, हम जा रहे थे घड़ियों की मार्केट, जो सदर में घड़ियों की मार्केट है, जो शॉप बनी हुई होता है, क्योंकि कराची में ये चीज़ है, पर्टिकुलर हर चीज़ की एक मार्केट बनी हुई है और इतना ट्रैफिक जाम था, इतना ट्रैफिक जाम था। खैर, हम ये घड़ियों की मार्केट पहुँच गए हैं। अच्छा, यहाँ लेडीज़ कम ही जाती हैं, लेकिन थी, लेडीज़ भी थी यहाँ पर। यार, बड़ी मुश्किल से मैं वीडियोज़ वगैरह बना पाती हूँ ऐसी जगह पर। ये हम घड़ियाँ लेने पहुँच गए, बड़ी प्यारी प्यारी, बड़ी ज़बरदस्त घड़ियाँ थी और बहुत ही अच्छी अच्छी घड़ियाँ थी। मेरा तो जी चाहता ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। खैर, वहाँ पे वो हमें रिस्वॉचेज़ दिखा रहे थे और बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त रिस्वॉचेज़ थी। मैं लेने गई थी बेसिकली अपने बेटे के रिज़ल्ट का गिफ्ट लेने के लिए, तो मेरे हस्बैंड इनको पसंद कर रहे थे। मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, तो उनको नो हाउ है, तो मुझे तो जो अच्छी लग रही थी वो इस टाइप की थी। इसमें पूरा डायल वगैरह ये सब ना दिख रहा था, अंदर पूरी मशीन दिख रही थी, तो मुझे ऐसी अच्छी लग रही थी। लेकिन उनको ज़्यादा पता था कि नहीं, लड़के किस टाइप की पहनते हैं, तो वो उस तरह की देख रहे थे। खैर, मुझे देखे ना, ये ऐसे ये इस टाइप की अच्छी लग रही थी। लेकिन फिर जो मैंने ली वो आप लोग देख चुके हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, खैर ये पहली शॉप थी, हमने ये पहली शॉप से छोड़ के हम फिर दूसरी शॉप पे चले गए थे। तो यहाँ पर हमें जो पसंद आई थी तो वो ये थी, आप लोगों ने देखी होगी जो मैंने ली है। तो ये हमारी पैक हो रही हैं घड़ियाँ, मेरी भी घड़ी थी इसमें, वो भी थी, आप लोगों ने देख ली। अच्छा, मेरे बेटे की घड़ी जो है वो बताई उन्होंने 7000 थी, लेकिन हमने ली वो 4000 की। और जो मेरी घड़ी थी वो बताई उन्होंने 7000 की थी, वो ली मैंने 3000 की। उसके बाद हम पहुँचे बिरयानी के लिए, तो यहाँ हम गए थे, यहाँ बिरयानी महंगी मिल रही थी। खैर, ये अरबी पराठा बन रहा था। क्या पराठा बन रहा था, प्रेस्को पे, जो सदर में प्रेस्को बेकर थे ना, वहाँ नियत तो मेरी बहुत आ रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, बहुत हैवी हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ से लिए दही बड़े, समोसे वगैरह सब। और रात के मेरे ख्याल से 8:30 का टाइम था, लेकिन काफ़ी रश था, इनके समोसे वगैरह सब बिक रहे थे। फिर यहाँ से मैंने लिए दही बड़े, मैंने कहा मुझे दही बड़े खिला दें, यहाँ के बड़े मशहूर हैं फ्रेस्को के दही बड़े। तो खैर, फिर मैंने यहाँ से दही बड़े लिए, मैंने वो खाए। और ये पराठे भी तो मेरी बार बार नज़र जा रही थी, बहुत ही मज़े का पराठा था। खैर, मैंने यहाँ से दही बड़े लेके खाए, ये लेकिन यमी यमी। और पता ही है दही बड़े कितने के थे, 170 रुपीज़ के। कि मैं कहा भाई इतने महंगे, ये दही बड़े भी इतने महंगे। खैर, यहाँ से फिर हम निकल लिए थे, हमने कहा चलो भाई, फिर हम बंस रोड पे घूम रहे थे, या हम आ गए थे फूड सेंटर। फूड सेंटर से हमने ली बिरयानी, और कोई 2.5 किलो के करीब मैंने बिरयानी खरीदी थी, तो आई थी शायद 1300 की, तीन डबल बिरयानियाँ थी 1300 की, हाँ आई थी ना। तो यहाँ से हमने बिरयानी, क्योंकि बच्चियों के लिए मुझे शादी लेनी होती है, सिर्फ आलू वाली, उसमें चिकन नहीं चाहिए था, और मैं हम लोग भी सिर्फ एक एक ही पीस खाते हैं चिकन का। डबल बिरयानियाँ ली थी, लेकिन उसमें चिकन एक पीस, एक एक पीस डलवाया था। खैर, यहाँ से हम लोगों ने बिरयानी ली, बिरयानी लेके हम निकल आए थे। उसके बाद मैं घर आ गई थी, घर आकर फिर मैंने आप लोगों को सोचा चलो घड़ियाँ दिखा दूँ कि हमने क्या घड़ी ली है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी रिस्ट वॉच, ये मेरी रिस्ट वॉच है, आप लोगों ने मेरी नहीं देखी थी ना, मेरे बेटे की देखी थी। मेरी रिस्ट वॉच है, इसमें नग लगे हुए हैं और बहुत हसीन है, और ये रोज़ गोल्ड कलर की है ना ये रिस्ट वॉच। और जो बेटे की रिस्ट वॉच है वो तो मैंने आप लोगों को शो करा दी थी वीडियोज़ में, देखी थी। ये बिरयानी की तैयारी खोल रही हूँ। एनीवेज, आई होप ये छोटा सा मोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने आपको रिस्ट वॉच की कीमत बता दी, ये 4000 की है, और जो मेरी है वो 3000 की है, जो असल कीमत है ऑनेस्टली मैंने आप लोगों को बता दी। और अब हम खाएंगे खाना। आई होप मेरा ये मिनी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना जो यूट्यूब पर देख लो। है, चुप हो जाओ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।